हेलो स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका पॉलीनोमियल, जो कि नाइन्थ क्लास के लिए रहेगा। और इस नाइन्थ क्लास के लिए मैं दो वीडियो आपको पहले दे चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को देख के। आज हम इस तीसरी क्लास में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा 2.3, जो कि नाइन्थ क्लास के लिए है पॉलीनोमियल चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, देखते हैं क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। देखिए, एक आपको पॉलीनोमियल दे रखा है, पॉलीनोमियल दे रखा है क्या, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यानी कि आपको पॉलीनोमियल ये दे रखा है। सॉरी, यहाँ पर थ्री एक्स है भाई, थ्री एक्स है यहाँ पर, ये आपको एक पॉलीनोमियल दे रखा है और वो कह रहा है डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, यानी कि ये एक्स प्लस वन से डिवाइड है, तो आपको इस कंडीशन में इसका रिमाइंडर बताना है। देखिए, जब आपको कोई पॉलीनोमियल दिया हो और उसका डिवाइड भी दिया हो, क्या डिवाइड भी दिया हो, ये किससे डिवाइड हो रहा है भाई, ये डिवाइड हो रहा है x प्लस वन से। तो इस केस में आपको करना ये है, सबसे पहले आपको करना ये है कि जिससे डिवाइड हो रहा है, यानी जिससे डिवाइड हो रहा है उसके इक्वल में आपको जीरो रख लेना है। क्या रख लेना है, इक्वल में जीरो रख लेना है और वहां से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। क्या कर लेना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। जब आपको x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको करना यह है कि उस x की वैल्यू को पॉलीनोमियल में रख देना है। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी पॉलीनोमियल ऑफ माइनस वन, यानी कि पॉलीनोमियल ऑफ माइनस वन मिलेगी, तो आप कह सकेंगे कि जो आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। ओके, जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। देख लेते हैं क्या है, ये होगा माइनस वन, ये होगा आपका प्लस थ्री, ये होगा माइनस थ्री और ये होगा प्लस वन। देखें, इससे एक कैंसिल आउट, इससे एक कैंसिल आउट, यानी कि आपका आंसर जो आया वो जीरो होगा, जीरो होगा। तो आप कह सकेंगे कि रिमाइंडर, रिमाइंडर इज जीरो, क्या रहेगा, जीरो, कि रिमाइंडर इज जीरो इस पॉलीनोमियल का, जो इससे यानी इस वाले एक्सप्रेशन से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, जीरो। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे, पॉलीनोमियल यही रहेगा भाई, पॉलीनोमियल यही रहेगा, केवल हम बदल देंगे किसको, जिस चीज से डिवाइड दिया जा रहा है, यानी इस वैल्यू को बदल देंगे। इस वैल्यू को बदलने पर आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, उसने कहा है कि डिवाइड हो रहा है x माइनस वन अपॉइंट टू से, यानी कि डिवाइड हो रहा है x माइनस वन अपॉइंट टू से। जब x माइनस वन अपॉइंट टू से डिवाइड हो रहा है, सॉरी यहाँ पर x माइनस वन अपॉइंट टू से डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसके इक्वल में जीरो लगाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x इक्वल टू वन बाई टू, और इस पर इस पॉलीनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। p 1 बाई टू आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1 बाई टू का क्यू प्लस 3 1 बाई टू का स्क्वायर प्लस 3 1 बाई टू एंड प्लस 1। ओके, यहाँ हो जाएगा 1 बाई एट, यहाँ हो जाएगा आपका ये 4 होगा, 4 अपॉन सॉरी 3 अपॉन 4 होगा, 3 अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 बाई टू हो जाएगा, यहाँ पर होगा 1 बाई 1। आप इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम आएगा इसका 8, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर आपका 12 और यहाँ पर यह आएगा 8, यानी कि इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। जब देखा 27 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 27 अपॉन 8, आपका रिमाइंडर क्या रहेगा, 27 अपॉन 8। बहुत ही इजी है, जब आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो करना कुछ नहीं है, सिंपल जो वैल्यू दी गई है, जो वैल्यू दी गई है उसके इक्वल में आप जीरो रखिए, जीरो रखने के बाद एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए और उस एक्स की वैल्यू को आप पॉलीनोमियल में रख दीजिए, तो आपको रिमाइंडर आपका मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से आप इनके आंसरों को निकाल सकते हैं। देखें, दूसरा अगला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है एक्स, यानी कि एक्स के इक्वल में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। इस केस में आप क्या लिख सकते हैं, जीरो होगा। देखते हैं किस तरीके से जीरो होगा, यहां पर लिखेंगे x इज इक्वल टू जीरो, यहां पर जीरो है और इसे यहां पर पुट करेंगे डायरेक्टली तो आपको मिलेगा x जीरो। ओके, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब जिस केस में, इस केस में आपको करना ये है, यहां पर रखना है जीरो, सॉरी जीरो भाई, जीरो जीरो होगा, तो जीरो का क्यूब प्लस थ्री जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री जीरो प्लस वन। देखेंगे, जब यहाँ पर जीरो है तो ये पूरा जीरो प्लस ये जीरो प्लस ये जीरो प्लस वन, तो आपका क्या रिमाइंडर रहेगा, वन, वन इज अ रिमाइंडर। ठीक है, इसका थर्ड वाले का, थर्ड वाला जो है जीरो है ना उसका। फोर्थ वाले को देखेंगे, फोर्थ वाला जो आपको दिया गया है, फोर्थ जो दिया है वो है
एक्स प्लस पाई, यही है ना, हाँ एक्स प्लस पाई है, यानी कि मैं इसको जीरो लगाऊंगा तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू जो मिलेगी माइनस पाई मिलेगी, क्या मिलेगी माइनस पाई, और इस माइनस पाई को यहाँ रखूंगा तो ये होगा माइनस पाई, पॉलिनोमियल ऑफ माइनस पाई। जब माइनस पाई का क्यू किया ये होगा, और यहाँ पर लिखेंगे थ्री माइनस पाई का स्क्वायर, थ्री माइनस पाई एंड प्लस वन, सिंपल इसको किया तो ये माइनस का पाई क्यू, यहाँ पर रहेगा थ्री पाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री पाई एंड प्लस वन, ये आपका रिमाइंडर रहेगा, क्या रहेगा बेटा रिमाइंडर। तो इस तरीके से आप इनके रिमाइंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें करना कुछ नहीं है, जो वैल्यू आपको दी गई है, यानी कि इस तरीके की जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू जो दी गई है, इन वैल्यूओं में आपको रखना क्या है, इनके इक्वल में जीरो रखना है, और जीरो रखने के बाद क्या करना है कि वो जो एक्स की वैल्यू आएगी उसे आप पॉलिनोमियल में रख दीजिए, तो आपको रिमाइंडर वहां से आसानी से मिल जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस टू है शायद, एक्स प्लस फाइव प्लस टू एक्स, क्या दिया है फाइव प्लस टू एक्स दिया है। जब आपको 5 प्लस 2x दिया है तो आपको वहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है इक्वल में जीरो रखने के बाद। देख लेते हैं, आपको दिया है फिफ्थ वाला है कि 5 प्लस 2x दिया है, मैंने इक्वल में जीरो रखा और यहां लिखा 2x, इसको जब मैंने इक्वल से इधर लूंगा तो माइनस का वैल्यू, और x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5 बाई 2, यानी कि ये वैल्यू हो गया। अब आपको करना यह है इस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है क्या आएगा, ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसको यहाँ पर रखा माइनस का 5 बाई 2 का होल क्यू, यहाँ पर रखा प्लस 3 माइनस का 5 बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 5 बाई 2 एंड प्लस 1। ओके यहाँ से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 125 और यहाँ पर मिलेगा 8, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, तो ये आएगा ये 25 और 25 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 बाई 4। ओके यहाँ पर मिलेगा 15 बाई 2 और यहाँ मिलेगा प्लस का 1, यहाँ मैं 1 लगा लिया। अभी आपको करना ये है एलसीएम ले लेना है, 8 आएगा, 8 से यहाँ पर दिया तो माइनस का 125 ही रहेगा, यहाँ पर आप देखेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 150 हो जाएगा, यहाँ पर दिया 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम तो यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 8 जाएगा तो यहाँ पर 8 आएगा। ओके माइनस माइनस की वैल्यू ऐड हो जाएंगी, प्लस प्लस की वैल्यू ऐड हो जाएंगी, माइनस 185 हो जाएगा है ना, और यहाँ पर जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 158 अपॉन 8, इससे आपको माइनस कर लेना है, जब आप इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा क्या 7, 7 से गया तो 2, ये बचेगा 27 अपॉन 8, वो भी काहे का माइनस का, क्योंकि माइनस का वैल्यू ज़्यादा है। ओके जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसी का आंसर बचता है, यानी रिमाइंडर बचता है, तो आप दे दीजिए यहाँ पर बचेगा क्या 27, माइनस का 27 अपॉन 8 आपको यहाँ पर बचेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके यहाँ तक किसी को कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, लिंक मेरा स्लाइडर में आपको मिल जाएगा, वहाँ से मुझे कॉल भी कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर, सेम वही क्वेश्चन है, सिंपल करना कुछ नहीं है। रिमाइंडर पी एक्स देख लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, ये है माइनस ए, ये है इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। जब आपको डिवाइड दिया गया है, डिवाइड दिया गया है किससे, x माइनस ए से, राइट ना, x माइनस ए से, तो मैंने बताया था जब भी जिस चीज़ से डिवाइड दिया जाएगा उसके इक्वल में आपको पहले जीरो रख देना है। जब आप जीरो रखेंगे तो आप उसे कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे, यानी x की वैल्यू आपको a मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है a, और इस वैल्यू को आपको पुट कर देना है इस पॉलिनोमियल में और आपका आंसर आपके पास ए क्यू माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू ए माइनस ए। ओके यहाँ पर मैंने देखा तो ये आया ए क्यू, यहाँ हो जाएगा माइनस का ए क्यू, यहाँ हो गया प्लस सिक्स ए माइनस ए, और जब मैंने इससे इसको कैंसिल आउट किया तो यहाँ से इसको माइनस किया आपको मिला 5a, तो क्या रिमाइंडर आया 5a, क्या आया भाई 5a रिमाइंडर है आपका।
क्लियर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं सेकेंडों में, बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल। देखिए एक तो मेथड ये है, नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड मेथड और बता रहा हूँ कि आप इसे डिवीजन मेथड से किस तरीके से कर पाएंगे। है डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ भाई। ओके देखिए अभी आपको बताने वाला हूँ कि डिवीजन एल्गोरिथम मेथड किस तरीके से आप यूज़ करेंगे और डिवीजन एल्गोरिथम मेथड के तरीके से आप किस तरीके से इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके सिंपली आपको सबसे पहले लिखना ये है x माइनस ए, यहाँ लिख लेना है, और जो आपको पॉलिनोमियल जिसमें डिवाइड देना है उसे आप यहाँ लिखेंगे एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वेयर, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यू प्लस माइनस है, सॉरी यहाँ माइनस है भाई, माइनस ए एक्स स्क्वेयर, और आप यहाँ पर देखेंगे कि प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, ये इस तरीके से है आपका। ओके ये आपको पॉलिनोमियल है और इससे आपको इसमें डिवाइड देना है, ठीक है। जब आपको इससे इसमें डिवाइड देना है तो सिंपली आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका फर्स्ट टर्म जो है उससे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर इसके यहाँ पर ऐसा नंबर डालना है, यानी कि डिवाइड में ऐसा नंबर डालना है कि उसका मल्टीप्लाई अगर इससे करें तो एक्स क्यू मिलना चाहिए। देखिए हम जानते हैं कि अगर हम एक्स क्यू लाएँ तो हमें एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा एक्स स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर का मल्टीप्लाई जब मैंने इससे किया तो यहाँ मुझे एक्स क्यू मिल जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई जब मैंने इससे किया तो यहाँ मुझे मिलेगा ए एक्स स्क्वेयर। ओके किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब मैं इससे इस वाले टर्म को माइनस करता हूँ तो हमेशा ऑलवेज यहाँ साइन बदल जाता है, तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। ओके तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, जब मैं इसे ऐड करूँगा प्लस माइनस माइनस होता है, नहीं दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अगर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या सिक्स एक्स, और यहाँ क्या बचेगा माइनस ए। देखिए यहाँ पर है क्या एक्स, तो मैं यहाँ किस चीज़ से डिवाइड दूँ, आपको यहाँ देना पड़ेगा सिक्स से, क्या करना पड़ेगा सिक्स से, सिक्स से जैसे ही मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आएगा सिक्स एक्स और वहाँ पर आएगा माइनस सिक्स ए। ओके ये आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो आपका बचेगा क्या फाइव ए, क्या बचेगा फाइव ए इज अ रिमाइंडर। ओके ये बचेगा रिमाइंडर। तो आप सेकेंड मेथड इस तरीके से इसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है भाई। देखिए दोनों तरीके से, ये डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है, वो सिंपल आपका जो बुक का है एनसीईआरटी पैटर्न का है वो मेथड है, दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x² + 7x, यानी कि 3x² + 7x का 7 + 3x एक फैक्टर है, ये चेक करना है भाई। देखिए किस तरीके से चेक कर पाएंगे, जब आपको दिया गया हो 3x³ + 7x, यानी कि पी एक्स का एक फैक्टर है, उसने कहा है क्या फैक्टर है, उसने कहा 7 + 3x एक फैक्टर है। ओके इस केस में करना क्या है, इस केस में आप यहां पर देखेंगे 7 + 3x के इक्वल 0 रखिए, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से आपने x की वैल्यू निकाली तो x = माइनस का 7/3 मिल जाएगा। जब आपको 7/3 मिल जाएगा तो आपको उस 7/3 को इस पॉलिनोमियल में रख देना है, जब आपने वो 7/3 इसमें रख दिया जाएगा तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि आपको जो मिलेगा वो मिलना चाहिए 0। अगर उस केस में 0 मिलता है तो आपका पॉलिनोमियल का फैक्टर रहेगा वो, अगर आपका 0 नहीं मिलता है तो आपका पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा, जो दी हुई कंडीशन है वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर इसका हमने 3 times मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7, 7, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 343/27। ओके यहाँ मिलेगा 49/3। देखिए यहाँ जब मैंने इसे कैंसिल आउट किया यहाँ 9 आएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे एलसीएम क्या आएगा आपका 9, और यहाँ पर हो जाएगा 43 ये, और यहाँ पर आएगा माइनस का 49/3। तो इस केस में आपको जो वैल्यू मिल रही है वो नेगेटिव मिल रही है, यानी क्या वैल्यू मिल रही है नेगेटिव, और जीरो तो आंसर आ ही नहीं रहा, यानी कि 9 से डिवाइड करेंगे कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी जो कि नहीं माइनस में होगी, तो जीरो नहीं आ रहा है। तो आप इस केस में क्या कहेंगे कि जो रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि आपका क्या है रिमाइंडर बच रहा है, जो रिमाइंडर है
और रिमाइंडर बचने पर एक कंडीशन होती है कि ये वाला जो फैक्टर है इसका फैक्टर नहीं है, तो आप लिखेंगे गिवन फैक्टर इज नॉट, गिवन फैक्टर फैक्टर इज नॉट नॉट रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉली, ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं और क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके थ्री क्वेश्चन जो कि 2.3 के हैं, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलती हैं प्रीवियस सारी की सारी वीडियो और सारा का सारा हमारा दिया हुआ कंटेंट। तो अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब न करना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू और कीप वॉचिंग।